Hello guys, assalamu alaikum. This is me Rashid Khan once again. I am back with a new vlog. Hope you guys are doing great and having a very amazing, fantastic and awesome day. आज मैं मौजूद हूँ शियान जियाथोंग यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि चाइना की एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये 300 के अंदर आती है और चाइना के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे इंटरनेशनल फॉरनर स्टूडेंट जो हैं वो स्कॉलरशिप्स के ऊपर स्टडी करते हैं। आज का दिन जो है वो हम शियान जियाथोंग यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारेंगे। आपका रेफरेंस हो तो आप किसी तरह कार्ड मैनेज वगैरह करके उसको यूज़ करके आप यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर हो सकते हैं। जो है वो इस कार्ड का अरेंजमेंट कर लिया तो आप जो है वो मैं इजीली इस यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर हो सकता हूँ। A few moments later, यहाँ पर जो है वो शेफ भाई ने हमें रिसीव कर लिया और हम जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर हो गए हैं। हमने जो है ये खुई युआन बिल्डिंग है और ये शियान जियाथोंग की मेन टीचिंग बिल्डिंग है। यहाँ पर जी इनसे मिलिए, आप लोग इनको जानते तो होंगे। नहीं ये हैं हमारे सर आइजिक न्यूटन और इन्होंने यहाँ पर जो है वो हाथ के अंदर एप्पल भी पकड़ा हुआ है, और अगर उस दिन ये इनके सर पे एप्पल ना गिरता तो आज हम जो है वो न्यूटन के लॉ ना पढ़ रहे होते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हेलो, आई जस्ट मेट हिम निचो शर्मा मींस Oh, he is a student. Oh, she Pakistan run. Oh, I'm a Chinese student. Oh, do you know what is the relationship between Pakistan and China? Very good friend. Very good friend. Okay, very good friend. Nice to meet you. Okay. सर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है। पर जो है वो दोनों तरफ क्लासरूम्स हैं, मास्टर और पीएचडी के जो हैं वो क्लासेस वगैरह हो रही हैं। स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्लास वगैरह ले रहे हैं। ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर जो है वो टीचर्स वगैरह जो हैं वो क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, तो हम जो हैं वो क्लास के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए जो है वो हम बाहर से ही अभी इसको विज़िट कर रहे हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ शियान जियाथोंग के क्लास रूम के अंदर, जहाँ पर जो है ये लोग प्रोजेक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। ये एनर्जी की लैब है और जहाँ पर जो है ये लोग टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहे हैं। वो हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और स्टूडेंट ने अपनी अम्ब्रेला वगैरह निकाल ली है। बिल्कुल ग्राउंड के सामने जो है हमारे पास ये कैफेटेरिया है, इसका जो सेकंड फ्लोर है वो मुस्लिम कैफेटेरिया है, तो यहाँ से जो है वो मुस्लिम फूड इजीली अवेलेबल होता है, तो यहाँ से फूड वगैरह ट्राई कर सकते हैं। हमें यहाँ पर ज़ुबैर भाई ने ज्वाइन कर लिया और ये जो है ये डॉर्मेट्री है फॉरेनर्स की, तो अब हम जाएंगे डॉर्मेट्री के अंदर। हम इस टाइम जो है वो शियान जियाथोंग की डॉर्मेट्री के एरिया के अंदर हैं। यहाँ पर जो एक चीज़ कॉमन है चाइना की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आपको हर तरफ एक तो ग्रीनरी नज़र आएगी और दूसरा आपको यहाँ पर सफाई, ये दो चीज़ें ऐसी प्रोमिनेंट हैं कि आप जहाँ मर्जी चले जाएँगे आपको प्रायोरिटी बेस के ऊपर ये चीज़ नज़र आएगी। अब हम जाएंगे, जाकर देखेंगे कि फॉरेनर इंटरनेशनल स्टूडेंट की डॉर्मेट्री किस तरह की है। सारी डॉर्मेट्रीज़ के अंदर जो B5 बिल्डिंग है वो फॉरेनर स्टूडेंट की है, और वो ये बिल्डिंग है, इसके जो हैं वो बेसिकली चार यूनिट हैं, यूनिट 1, 2, यूनिट 3 और ये रहा यूनिट 4। तो ये इन फॉरेनर की डॉर्मेट्री है। फॉरनर डॉर्मेट्री जो है ये बेसिकली अपार्टमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ये एक अपार्टमेंट जो है ये इसके अंदर जो है वो 5 रूम्स हैं। ये रहा सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा, दिल दिल पाकिस्तान। ये यहाँ पर जो है ये इनका रूम है स्टूडेंट का, विंडो लगी हुई है, इन्वर्टर लगा हुआ है, उसके बाद ये कबर्ड इन्होंने दिया हुआ है रूम वगैरह के लिए, बेड सिंगल बेड है, और उसके साथ जो है यहाँ पर ये स्टडी टेबल है। एक स्टूडेंट को एक रूम ये अलाट किया जाता है मास्टर और पीएचडी के लिए। रूम के साथ ही यहाँ पर जो है वो बालकनी भी मिल जाती है, तो ताकि जो है आप यहाँ से बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा हमारा बालकनी से बाहर का व्यू, इस तरफ जो है वो यूनिवर्सिटी है और ये जो है ये बाहर का एरिया है, लेकिन आप यहाँ से ग्रीनरी चेक करें। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये इस तरह से इलेक्ट्रिक बाइक्स ठहरी होती हैं, जिनको आप अली पे से स्कैन करके इनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आप इनको यूनिवर्सिटी के एरिया के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लाउडी वेदर था, थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन अभी जो है वो बारिश यहाँ पे रुक गई है। हल्की हल्की हवा अभी भी यहाँ पर चल रही है, दूर दूर तक यहाँ पे कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल ऐसा पुरसकून किस्म का यहाँ पर माहौल है। पर ये कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, बहुत ही मज़े का दिन है क्योंकि गर्मी से मेरी कुछ खास बनती नहीं है। और जब आप कोई नई जगह या कोई नई प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो और इस तरह का क्लाउडी और हल्का हल्का सा रेनी वेदर हो तो इसका मज़ा ही अपना होता है। हमारे पास लाइब्रेरी है तो अब लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। ये म्यूज़ियम के सामने जो है वो लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर जो है वो स्टूडेंट बैठ के जो है वहाँ पर अपना रिसर्च और थीसिस पे काम कर रहे हैं। पर ये डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट कैंप वगैरह बनाए हुए हैं और स्टूडेंट यहाँ पे विजिट वगैरह कर रहे हैं और कंपनीज जो हैं वो अपनी प्रमोशंस वगैरह यहाँ कर रही हैं। यहाँ पर ये जॉगिंग ट्रैक है और चाइनीज जो हैं यहाँ पर जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। Very nice. Are you enjoying the life here? Yeah. As you see. As you see. Okay, bye bye. गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, होप सो कि आप सबको पसंद आया होगा। शियान जिया तोंग को टूर करके मुझे बहुत ही मजा आया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, कीप सपोर्टिंग राशिद के व्लॉग्स।